आज राजनीति से और बहुजन उत्पीड़न से हटकर कुछ बात होगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गरीबों की चॉकलेट या गरीबों का डेयरी मिल्क कैसे बनता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है और कहां से शुरुआत होती है, किस तरह गन्ने से आपके सामने गुड़ पेश होता है। और हम आए एक गुड़ बनाने वाली एक फैक्ट्री में जहां पर गुड़ बनता है, जिसको कुछ लोग भेली के नाम से भी जानते होंगे। हाँ भैया, तो क्या प्रोसेस होता है, पूरा कैसे गुड़ बनता है? पहले यही गन्ना की, अच्छा हम दिखाते भी रहेंगे और साथ साथ बातें भी करेंगे। पहले गन्ने की पिराई होती है, फिर इधर से रस जाता है यहाँ पे, फिर वहाँ पे पकाया जाता है रस को। अच्छा, मतलब पहले यहाँ से गन्ना इसमें डाला जाता है, इसमें से रस निकलता है, और ये यही रस, ये देखिए रस को दिखा दीजिए यहाँ पे, ये रस ऐसे जाता है और इसमें जाता है, ये कंटेनर है। फिर इसके बाद क्या होता है रस? अच्छा, ये तो बहुत गंदा लग रहा है। नहीं, ये तो सफाई होती है, शाम को सफाई होती है। हाँ, जब आखिरी में आगे फिल्टर होकर तब निकलता है। अच्छा, फिल्टर हो गई है फिर आगे निकलता है। इसके बाद क्या होता है? फिर आगे कढ़ाई में साफ किया जाता है। कढ़ाई में दिखाइए आगे, अच्छा उधर से उस गन्ने का रस यहीं आकर इसी कंटेनर में निकलता है। और ये कितने देरी के लिए रखा जाता है ये इसमें? जब तक गर्म होती कढ़ाई वही जो निकलती है चाशनी, तब उससे आगे बढ़ाया जाता है। ये भी गर्म हो रहा है? हाँ, ये भी गर्म हो रहा है। हल्का कैसे, मतलब कहाँ, वहाँ आग कहाँ लगी है? पीछे से झुकाई हो रही है। अच्छा, नीचे? हाँ, इधर, मतलब इन तीनों कढ़ाइयों के नीचे। अच्छा, चारों में। पहला कंटेनर ये है, ये बताते हुए चलिए ऐसे ही, इसमें रस आया है, फिर इसके बाद क्या होगा? इसे बढ़ाया जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें साफ किया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा, बढ़ा के भी थोड़ा दिखा दीजिए, चलाइए इसको। अच्छा, मतलब उसमें से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाला जाता है, फिर इससे उसमें डाला जाता है, पहले साफ किया जाता है। अच्छा, मैं इसकी निकाली जाती है। साफ कैसे होता है? साफ इसमें ये जो लंबी रखी है, हाँ? इसको डाला जाता है, तब इससे मई इसकी बन जाती है। अच्छा, तब वही साफ की जाती है। और इससे इसमें कैसे डाला जाता है? इससे इसमें यही जब साफ हो जाता है डाला जाता है। अच्छा, अब इसमें आ गया, ये सब तो काफी गर्म होगा। हाँ, ये बहुत गर्म रिस्की काम है। हाँ, ये देखिए बढ़ा रहे हैं, इसमें चाशनी आती है आखिरी में, लास्ट में यही पेड़ से निकाल के इसमें किया जाता है। अच्छा, मतलब वो एक तरीके से पूरा फिल्टर हो गया है, वो साफ हो गया, वो एकदम साफ है। हाँ। अब उससे इसमें निकाला जाता है, जब इसमें टाइट होगा तब इसको चलाया जाएगा, तब इसको गुड़ की भेली बनेगी। अच्छा, तब इसमें भरा जाएगा। अच्छा, गमले में चार पांच प्रोसेस है, उसके बाद इसमें लास्ट में आता है। लास्ट में, और इसमें कितने देरी के लिए रहता है? इसमें लगभग, ये देखिए ये सब, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये वही है, वही रस है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद और पकने के बाद लास्ट में यहाँ पर उसको गिराया जाता है। और कितने देर के लिए रखा जाता है इसमें? लगभग एक चाशनी आने में लगभग आधा घंटे लगती है। आधा घंटा? हाँ। और ये पूरा जो प्रक्रिया है, ये पूरा होने में कितना टाइम लगता है? ये तो सुबह से शाम तक चलती है। अच्छा, सुबह से शाम, मतलब एक बार अगर पूरा यहाँ पर अगर गिराना है तो कितना टाइम लगता है? एक में दो चाशनी डाली जाती तो दो घंटे लगभग लगते हैं। अच्छा, दो घंटे लगे। और इससे कितना किलो लगभग तैयार हो जाएगा? इसमें लगभग दो कुंटल तैयार होगा। दो कुंटल तैयार हो जाएगा इतने ही से, ये जो इतना सब पड़ा हुआ है इसमें अभी और डाला जाएगा थोड़े। अच्छा, अभी और एक बार और निकाला जाएगा। और इसको कितने देर के लिए छोड़ा जाता है? इसमें आधा घंटे से ये पड़ा, एक और निकाला जाएगा, तब 15-20 मिनट बाद चला दिया जाएगा इसको। तो ये अभी चलेगा? हाँ, अभी इसमें देर लगेगी उसमें निकलने में, मतलब अभी चला के दिखाएंगे। अभी आधा घंटे तो लगेगा, आधा घंटा लगेगा, आधा एक घंटा लग सकता है। और उसमें डालेंगे अभी? अभी नहीं, अभी इसमें निकालेंगे। अच्छा, नहीं आप टेस्ट करके बताइए कैसा है, टेस्ट करके बताइए कैसा है। अच्छा, ये यही वो गुड़ है ना जो वो उसके बाद इसी में सीधे आए हैं, आप टेस्ट करके बताइए कैसा लगा। हाँ, ले लो थोड़ा सा। ये देखिए यही वो सारे गुड़ हैं, और हमारी सहयोगी इसको टेस्ट करके बताएंगी, चेक करके टेस्ट करके कि कैसा है, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, ताजा है ना, तो सॉफ्ट भी बहुत। अच्छा, इसको हम गरीबों का डेयरी मिल्क कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल डेयरी मिल्क जैसा है। अच्छा, अब ये बताइए कि इतना गुड़ तो बन गया, अब गुड़ का होता क्या है, कहाँ जाता है, कैसे सप्लाई करते हैं? किसान ले जाते हैं, किसान जो आते हैं वही ले जाते हैं। थोक में नहीं, बहुत बाजार में जैसे बेचते हैं व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी वही जो बाजार में बेचते हैं वो आते हैं। अच्छा, और ये किसान खाने के लिए ले जाते हैं घर पर अपने। किस हिसाब से आप लोग इसको सेल करते हैं, कैसे बेचते हैं? इस टाइम तो वही 27-28 रुपए किलो बिक रहा है। 27-28 रुपए किलो? हाँ, वो गन्ने के हिसाब से। और मार्केट में इसका रेट कितना है? यही इसी तरह है, यही रेट। हाँ, जिस हिसाब से गन्ने होता है उस तरह से होता है। अच्छा, गन्ने तो आप लोग खेतों से खरीद के लाते होंगे, फिर उसके बाद किसान आते हैं पूछने, फिर यहीं पे लाते हैं।
अच्छा किसान आता है सेल करने गन्ना, आप लोग नहीं जाते हैं? किसान नहीं जाते, किसान आता है गन्ना, अपना गन्ना लेकर आता है, रेट पहले पूछ लेता है, उसके बाद कटवा कर लाता है तब यहाँ पे। अच्छा लगभग कितने गन्ने से कितना गुड़ बनता है? लगभग एक कुंटल में 12-13 किलो गुड़ निकलता है। अच्छा एक कुंटल गन्ने में 12-13 किलो ही बस निकलता है, और ये 2 कुंटल बनाने में कितना लगता है? इसमें लगभग 20 कुंटल गन्ने लगेंगे। 20 कुंटल